बहुत हार्ट बीट तेज हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये करना क्यों है? हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज बच्चों की छुट्टी है, कुछ ना कुछ अतरंगी सोच रहे होंगे। और आज मुझे जाना है, जैसे कि आपको पता है कि दीदी के घर मिस्ट्री मैन की कज़न है, उनके घर नहीं जाना, उन्होंने बेसिकली एक हवन कराना था और खाना वाना कराना, पूरी सब फैमिली वाले आएंगे, लेट हो रहे हैं बट जाना है वहाँ पे भी। बच्चों को बस फिर सेटल डाउन करती हूँ और निकलते हैं वहाँ के लिए भी। दीदी मेट्रो पे आ जाएंगी तो इकट्ठे चलेंगे यहाँ से। बने रहिए ब्लॉग को, देखते रहिए जो जो कर रही हैं, दिखाएंगे आपको और चलते हैं बच्चों को देखने के लिए कि क्या कर। गुड मॉर्निंग शारू। और अभी मैं जा रही हूँ, पता है ना आपको, पता तो था चारू, जा रही हूँ बस लंच आपको मुक्ति आंटी कराएगी। और सुनो आज क्या करने वाले हो, पूरा दिन का शेड्यूल क्या करने वाले हो? खाने में तो बताती हूँ पहले, आप क्या करने वाले हो? अभी हम पहले आइस बात लेंगे। आइस बात कैसे, क्यों लेना आइस बात? क्योंकि उससे क्या कहते हैं, मतलब बॉडी मेरे जैसे पैर में भी पेन है वो भी चले। बेटा बीमार हो जाओगे बच्चे, बीमार नहीं होते और इन्फ्लेमेशन। तो कैसे लोगे आइस बात? आइस कहाँ है इतनी? एक वो टब है, हमने एक आइस की मतलब बर्फ की सिल्ली मंगवाई है। और हाँ, मुक्ति करती हुई डीप क्लीनिंग, दिवाली की तैयारियां हो रही है। ये पता है ये कपड़े कहाँ से मंगवाए थे मैंने, ये जो रोटी इसमें डाल के पहले मैं देती थी मलमल के, तो ये रखो, ये तो इसमें अंकड़ बनाया था ना उस दिन, ये ज्यादा हो गया ना भाभी। हाँ। कम कर रही हूं। और एक रेसिपी में ये ना मैंने बहुत अच्छे मंगवाए थे, पर बच्चों को इसमें रोटी डाल के देती हूँ, कहते अच्छी नहीं लगती, बट बहुत सौगी भी नहीं होती, बहुत अच्छे निकले थे ये। और इसमें ना उस दिन मिस्ट्री मैन को अंकड़ चाहिए था, अंकड़ भी बहुत अच्छा बना था। और आप आइस बात ले रहे हो? नहीं, मेरे बस की नहीं। मुझे पता ही था। और ये दर्द कैसा आपका? अगर कल इसने जो कहानी बताई है ना, तू सुनेगा ना, तो मैं इसको अकेला नहीं भेजूंगी। इसने वहाँ मुझे इतना मिस किया, मजाक नहीं करी, बता सनो। कह रही पहले वो वायर लगा दी उन्होंने, फिर वो कह रही ये वाला टीथ में से फिर निकल गई, तो पहले वो तार लगाई उन्होंने, वो निकल गई, फिर कह रही वो पहली तार बड़ी मुश्किल से डाली थी, कह रही फिर वो निकाली तार, निकालने में भी दर्द हो रहा होगा, जाने में तो, और फिर उसके बाद दोबारा से मोटी तार डाली, कह रही मम्मा इतना करी पतली तार, कह रही उस इतनी वो जब करा ना, कह रही मैं इतना रो रही हूँ मैम, कह रही आ रही ओके। आ गए हैं टेरेस पे और ये देखो यार, ये होता तो डिफिकल्टी होगा, और जो जो पुराने उधर है उनको याद होगा, जो हमने आइस में हाथ रखने वाला याद है, चैलेंज करा था इसमें, मैं बेहोश सा हो गया था। 2.2 करो भैया। हाँ अभी 3-4 लोगों का आया है डीएम की मीट एंड ग्रीट का, और बताओ। हाँ यार कमेंट भी, वो रेनू चावला जी का भी आएगी, उनका बेटा और वो भी आएंगे, नंदनी का भी आ गया, बस मिलेंगे तो सही, बनाएंगे प्रोग्राम। अब हमारी वो एक और शॉर्ट है वायरल, बर्थडे गर्ल कबीर भैया, ऑल थैंक्स गोज टू यू। सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं और पर कमेंट्स भी बहुत फनी फनी आ रहे हैं। जिस जिस नहीं देखी हो जाके देखो, जाके देखो बहुत अच्छी, नहीं तो मैं इसकी बात लगाता हूँ आप लोग देख। आई एम नॉट द बर्थडे गर्ल, आई एम अ ज़ेरॉक्स कॉपी। आई एम नॉट द बर्थडे गर्ल, आई एम हर क्यूट नीस। आई एम नॉट द बर्थडे गर्ल, आई एम हर हैंडसम बॉय। आई एम नॉट द बर्थडे गर्ल, आई एम हर फेवरेट सन। I am not the birthday girl, I am her vlogging partner. I am the birthday girl. और ये इतना चाटी हाथ डाल के देखो ना, इतना ठंडा थोड़ी होगा। क्या है ले? ये भाई पहले गूगल पे सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहे हो ये? भैया मुझे जाना है वहाँ पे, जल्दी कर लो। 15 मिनट आप कब जाओगे? मैं तैयार होने जा रही हूँ बस। और आज मैं क्या पहनने वाली हूँ? मेरे शौरू की भी हुई थे। दो मिनट का टाइमर लग चुका है, नहीं नहीं बंद कर दे, चाची बंद करना, नीचे जाना जरूर। है ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, पर इसे इसके बेनिफिट बता, चल बेनिफिट बता, इसी में रहते रहे। बेनिफिट बता यार, पंगे मत लो। बहुत हार्ट बीट तेज हो जाती है बहुत ज्यादा, तो ये करना क्यों है? ये तो अपनी रिकवरी के लिए। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, तो क्या होता है? अरे वो टच हो रहा है ना ऊपर। अब देखो 15 मिनट रहना है इसमें, 5 मिनट लाल पूरा शरीर। नहीं राजा, निकल जा, निकल जा बेटा निकल। दूसरा भाई आ चुका है मैदान में, डर लग रहा है इसको, जा धक्का मारो इसको। डर क्या लग रहा है चाची? देखो ओए ओए, हाथ छोड़ दे, हाथ में दो डाल दे, नहीं हो रहा उससे, आप रहे वो वेरी गुड। एक ड्रॉप पानी ऊपर डाल दो इसको, चाची मत करना, मैं पूरा पानी डाल दूंगा चाची यार। और ये देखो
और ये ना शोरू लाया था और अपनी चॉइस से लाया था, किसी की चॉइस नहीं है इसमें, ना सना की ना किसी की। और मेरे को इसका नेक का स्टाइल बहुत इन है आजकल, बहुत अच्छा लगा और बड़ा एक होता है ना एलिगेंट, जो ये मतलब मेरा टेस्ट है ये। और जब बच्चे शोरू को पता है तो ये पहन के जा रही हूँ। इसका दुपट्टा मैंने डाई करा लिया था क्योंकि दुपट्टे के बिना मेरा चलता नहीं है। और इनका शाम का कहीं प्रोग्राम भी बन रहा है शायद, शायद चाची भी चले, क्योंकि ना दो दिन है इनके पास, दो तीन दिन ही अपनी चॉइस का खा सकते हैं। मम्मी रेडी होके बैठी है, मम्मी से मिलो। ये रही दादी, चल रही है सवारी, बस ग्रीन टी ले ली है। और दीदी का भी कॉल आया नहीं, बस पहुंचने वाली होंगी। पर गर्मी बड़ी है यार, किसी का उस दिन मैं वो देख रही थी एक रील कि भगवान जी बारिशों के बाद ठंड आती है, वापस गर्मी अपना सिस्टम ठीक कराओ क्योंकि वापस से गर्मी हो गई है। पहले बीच में अच्छा लगा था कि ठंड आ गई है ना। आ चुकी है दीदी, देर से आई है। आंटी हेलो कर दो। सबसे मिलवा देती हूँ मैं, ज्यादा कैप्चर नहीं कर रही हूँ। ये हमारा नितिन है, ये नितिन की वाइफ है, पूजा, नेहा, मम्मी, मम्मी भी हाई। ये है हमारे अंकल आ चुके हैं। हेलो ऋषि कपूर भैया। हाँ जी जी, आ चुके हैं वापस और खाना वाना खाया। खाने को नहीं कैप्चर किया दीदी, वो ना एक्चुअली खाना खाते खाते वो फोन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता, पर बहुत बहुत मजा आया सबसे मिलके। और टाइम कैसे निकल गया, दो ढाई घंटे निकल गए यार, पता नहीं चला। सब चले गए थे, सबसे देर से आए और एंड में निकल रहे हैं, बट कोई बात नहीं। अब दीदी घर चल रहे हो, कॉफी वॉफी पी के चलेंगे, चलना ना। और सूट पे ना मेरे हल्दी का निशान लग गया, पता नहीं कौन सी सब्जी लग गई, समझ नहीं आया। जाके सबसे पहले उतर जाता है। हाँ अब जाके धोती हूँ ना फटाफट, धो दे बस। और ये मेरा शोरू लाया मेरे दीदी, ये शोरे वाला बता दिया ना मैंने आपको। हाँ ये मतलब बड़ा बहुत, आंटी ये शोरे लाया था मेरे लिए बर्थडे पे और अपनी पसंद से। अच्छा दीदी के साथ हो चुका है धोखा, और मिस्त्री मैंने गाड़ी सीधी ले ली और कोई NSP कोई कहीं, और ये कह रही थी मैं टाइम से घर पहुंच जाऊंगी। मैं कहा कोई बात नहीं शाम को छोड़ेंगे, कह रही मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। मैं कहा कोई अटेंडेंस, बेटियों के घरों में अटेंडेंस थोड़ी लगती है। अब घर चलते हैं, दीदी को वहां पिलाएंगे बढ़िया सी कॉफी या ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी जो भी पियेंगे, और थोड़ी देर आंटी रेस्ट करेंगे। आंटी थकी हुई है ना आंटी, आंटी आपकी तारीफ हो रही है बहुत। आंटी नहीं थकती, आंटी आपकी तारीफ हो रही है। आपका निहारिका मेरे को DM वो कर रही थी, उसने वॉइस नोट भेजा, कह रही है उनकी मदर इन लॉ भी बड़ी सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है, कह रही है वरना सांसें ऐसी कम होती है ना आंटी, तभी आप लोगों की सपोर्ट है तभी दीदी भी कर पाती, नहीं तो कैसे करेंगी। थैंक यू आंटी। क्रेजी चाची इज बैक, बॉय इज बैक। आंटी रही रेस्ट कर रही है, सब सूट पे सब्जी गिर गई थी, मैंने फटाफट धो के अब चेक करती हूं उतरा कि नहीं उतरा। तुम घूमने जाने वाले हो ना, हम कैसे जा रहे हो? नहीं वो शायद कैंसिल हो रहा है, मैं नहीं मना करा क्योंकि उधर संडे को वो दो दो घंटे की वेटिंग है और 5-10 हो गए हैं और आज क्रेजी होने वाला है। चाची चाय बना रही है और मेरे अगर किसी को चाय पीनी हो छोड़नी हो तो चाची की आंटी चाय पी लो, पर आज मैं ये आंटी का टेस्ट से देना आंटी बोलेंगे नहीं। देखो मिस्टर मैन ट्रिक बताती हूं, लौंग आप लेते हो ना, हम लोग करते हैं आपको जलाते हैं, जलाया माचिस की तरह, बस एक ही डालूंगी क्योंकि दो कप पिया। कल से तो काफी अच्छी लग रही है चाय। यार मेरी चाय क्यों नहीं अच्छी बनती, और ये शक्ल से नहीं अच्छी लग रही। और पता है मुक्के भी सोई है, मैं उसको उठाना नहीं चाह रही। हाँ। 6 बजे तक मुंह हिलाओ ये होती है अच्छी अच्छी वो नहीं, मैं नहीं, मैं उसको मेरे को इस टाइम तक कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि पता है नींद की क्या अहमियत होती है। थकावट यार सुबह से मैं नहीं थी तो वही देख रही थी ना, और एक ये अच्छे शॉट लेने के चक्कर में चाय घुट गया पूरा। चाय नहीं चाय कभी भी चाची से डलती नहीं है। और वो गुरदीप को ये बात बता, गुरदीप ब्लॉग देख रही है तो बताइयो, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा मेरी सास ना डरने मारेगी मेरे को, क्योंकि मैं से चाय 2 कप बनाऊं तो मैं 2.5 कप बनाती हूँ कि गिरती भी है। जी चाय और आंटी दोनों मिल चुकी है, आंटी ने अच्छा ही बोला है। नहीं नहीं आप उनको पीने तो दो एक बार। आंटी अच्छी लगे तो एक मिनट आंटी, बहुत बढ़िया। मैं चीनी डालनी भूल चुकी हूँ दोनों में, दोनों मम्मी तो पीती नहीं ना। हाँ, मैं भी की। चलो जी चाय हो चुकी है। दादी चाय कैसी बनी थी? बढ़िया बढ़िया बनी थी, चाय बहुत अच्छी। वो आपको एक बताई थी ना कहानी चाय। अब आंटी और बुआ जा रहे हैं। और उनको बेचारी को लगा था 5 बजे, वो 6 बज गए 6 बज गए, वो तो 1 घंटा तो ऊपर नीचे चल। अब 2 तारीख को आएंगी दीदी। दीदी चली गई और आ गई हूँ मैं सैर करने के लिए, तनिष गया छोड़ने, तनिष और सना दीदी को बोला था रुक जाओ, पर 6 बज गए थे नाना करते भी। अब देखा आपने मौसम थोड़ा सा ना अंधेरा जल्दी हो जाता है, 7 बजे तक 7:45 तक अंधेरा हो जाएगा, मौसम में चेंज तो आ ही रहा है।
पहले मैंने सोचा नहीं करूँ सर, फिर मैं कहा नहीं यार कर लेती हूँ, अभी कोई एस एच का भी काम भी नहीं है, बच्चे आज खाएंगे तो अटरम पटरम, पहले आज सोच रहे थे वो वहाँ जाने का आमा कैफे। तनिष तनिष कुछ ना कुछ प्रोग्राम बना लेता है, तनिष कह रहा था लेके चलता हूँ क्योंकि संडे फ्री होता है तो लगता है उसको चल भाई बहनों के साथ बिता लो। पर फिर कुणाल ने बोला बहुत रश होगा आज संडे को, कह रहा बहुत ज़्यादा रश होता है, मैंने कहा छोड़ो तो जो भी खाते हैं देखते हैं अभी, मतलब ऐसे खाने का डिनर का कुछ है नहीं क्योंकि तनिष कह रहा था मैं तो दलिया ही खाऊंगा, वो रात को हैवी नहीं खाता, मीठा कह रहा था कुछ देख लेंगे, मीठा खाने चले जाएंगे जो भी करेंगे। तो आ गई हूँ, अब नीचे जाऊँगी फिर गेम वेम तो आज क्या ही खेलेंगे, आज तो पूरा दिन ऐसे निकल गया। ये देख लो ये ड्रम को हटाया नहीं, इतनी मुश्किल हो रही है सैर करने में भी, और इसमें देखो पानी, ये ना किसी से मंगवाया था, मेरे ख्याल रेंट पे मिल जाता है और अब कल ले जाएगा वो भैया बर्फ़ की सिल्ली और ये ड्रम, तब छत खाली होगी। मैं आपको दिखा दो, ये घर आते ही पूछा है चाची इतनी रेडी हुई है, ये क्रेजी फैम को भी अभी पता चलेगा। और मैं ये पता है सैर करने मिली थी वो क्लिप और आके मैंने फटाफट ये चेंज कर लिया, जा रहे हो क्या मूवी जा रहे हैं, क्यों जा रही हूँ रीजन बताती हूँ, इन बच्चों ने अभी जाना है 9 बजे कह रहे थे हम मीठा मीठा कुछ खाने जाएंगे, तो आज मिस्ट्री मैन और मैं जा रहे हैं बर्मिंघम है, मेरे को तो ये लोग मेरे को हमेशा पागल ही समझते हैं, तो एक ही बात है बकिंघम मर्डर्स देखने जा रहे हैं, कह रहे हैं पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी मूवी है और ये मूवी है बच्चे वैसे भी अलाउड नहीं थे, अभी हमने ऑप्शन दिए, तनिष बोल रहा था वो कौन सी मूवी, देवारा जो साउथ की आई, साउथ की वो कह रहा है फैमिली चलते हैं, बट उसमें भी ट्विस्ट है, छोरे ने कहा मैं तो बाहर से खाना खाने में इंटरेस्टेड हूँ, चाची जा रही है और हम भी मीठा खाने जाएंगे, दोनों की क्लिप देखना, बाय। तो एकदम से मूवी 10 मिनट की निकल चुकी थी, हमें लगा कि छोड़े या नहीं छोड़े, टिकट्स भी नहीं ली हुई थी बट टिकट्स ले ली, और इंटरमिशन भी हो चुका है, रिव्यू बताऊंगी आपको जाके, इंटरमिशन भी बहुत जल्दी हो गया तो एकदम से क्लिप ही नहीं बना पाई, तो बस ख़त्म हो जाए तो फिर आपको बताती हूँ कैसे है मूवी, और काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी भरा हुआ है, इंटरमिशन चल रही है, मैंने कहा आपको बता तो दूँ क्योंकि एकदम से आए और लिफ्ट ही नहीं चल रही थी, 10 मिनट लग गए उस चीज़ में, और एक बार तो सोचा रहने दे कोई और मूवी देख लेते हैं बट लगा नहीं यार 5 मिनट की निकली थी वैसे, और हम आए थे और एगलेस नहीं है तो ये नहीं खा रही, इधर से वॉफल खा लेना, ये ले लिया इसने डेथ बाय चॉकलेट डोनट, ये भाई आ गया है संडे को, और संडे को पहली बार संडे खा रहा है, वरना हमेशा मंडे ट्यूजडे सैटरडे को खाता है, देख लो 11 स्कूप और ये मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि चॉकलेट नहीं है और इसमें 11 स्कूप्स है, और ये पता नहीं ऊपर क्या क्या डाला हुआ है, चिया सीड्स क्रंची और खस, चलो टेस्ट टेस्ट, मजेदार, इसके चेहरे की खुशी देखो, ट्रिपल चॉकलेट वॉफल खा के। मूवी हो चुकी है फिनिश, और रिव्यू से पहले मैं शाउट आउट दे दूं, आज का शाउट आउट जाता है साक्षी खन्ना को, वो हमारे पुराने ब्लॉग्स भी जाके देख रही हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और एक शाउट आउट और देना चाहूंगी, गॉड लव्स यू वेरी मच नवी, उनका असली नाम क्या है पता नहीं मुझे, बट उन्होंने मिस्ट्री मैन के बारे में पूछा, मेरे ख्याल शायद नई जुड़ी है या नए जुड़े हैं, उन्होंने पूछा कि क्यू एन ए भी, वो कह रहे हैं नए जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए दोबारा करो, बिल्कुल सोच रही हूँ करूँगी क्योंकि सब्सक्राइबर जब हमने पहला क्यू एन ए किया था तो बहुत कम, मतलब कितने 5000 होंगे शायद सब्सक्राइबर्स, आइडिया नहीं है, बट अब टच वुड 50K हो चुके हैं, तो अब करना चाहिए उनके लिए भी क्योंकि नए जो जुड़ रहे हैं उनको भी जानने का पूरा राइट है, और एक कनेक्शन फील होता है कि आप जब जानते हो अपनी फैमिली के बारे में, तो दोनों का शाउट आउट है, बिल्कुल सोचेंगे क्यू एन ए के बारे में भी। और मूवी बताऊं आपको, मूवी बहुत इमोशनल है, सस्पेंस से भरी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, और अगर एक होता ना कि आप एक माँ और एक बीइंग अ पेरेंट आप देखते हो तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, और अभी तक काफ़ी टाइम से चल रही है, बड़े टाइम से मन था मेरा ये पिक्चर देखने का, बच्चे नहीं जा सकते 18+ है मूवी, बट बहुत एक इमोशनल मूवी है और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, मुझे अच्छी लगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, बच्चे पता नहीं क्लिप बनाई होगी तो आप देख ही चुके होंगे, तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर YouTube चैनल दैट इज क्रेजी फैम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, पीस।